अरे मैम, ये आप क्या कर रही हैं? तुम्हारी हेल्प कर रही हूँ। ये वाटरलेस टेक्नोलॉजी है, इसमें पानी की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ। अच्छा मैम, ये क्या कर रही हैं आप? रहने दीजिए, मैं कर लूंगा साफ। मुझे लगा कि इतनी हॉट लड़की तुम्हारी हेल्प कर रही थी तो तुम्हें बड़ा अच्छा लगेगा। मैम आप रहने दीजिए, मैं कर लूँगा। क्यों, तुम्हें मैं अच्छी नहीं लगी क्या? यार ये तो मुझसे भी चार कदम आगे है, लेकिन क्लीनर है कि इसे भाव ही नहीं दे रहा। वीडियो निकालती। मैम ये क्या कर रही हो आप? हटो, ये क्या कर रही हो तुम? रुको, अरे मेरी बात तो सुनो। दी यार, क्या किया तूने? देखा, तेरी वजह से वो भी चला गया। सॉरी। अब और कितनी परीक्षा लेंगे भगवान? अब और सहन नहीं होता है। जल्दी से एक अच्छी नौकरी दिलवा दीजिए भगवान। एक आपका ही सहारा है। सुमित्रा। हाँ आई। लीजिए आपकी चाय। और हाँ, आपने अभी तक अपना फोटो नहीं दिया, माँ जी के एल्बम में लगाने थे। दिमाग से निकल गया, गाड़ी में पड़े हैं, मैं ला कर देता हूँ। आप कब तक टैक्सी चलाते रहेंगे? आपने इतना पढ़ाई किया टैक्सी चलाने के लिए? सुमित्रा, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करती हो? ट्राई तो कर रहा हूँ ना, अब क्या करूँ? सारा काम धाम छोड़ के सिर्फ नौकरी के लिए भागता रहूँ? मुझे कुछ नहीं पता, सैटरडे तक इंतजाम हो जाना चाहिए पैसे का। और माँ का फोन आया था, मैंने माँ को बोल दिया है कि पैसे का इंतजाम हो गया है। माँ का फोन आया था तो मैं क्या करूँ? पर एक बार मुझसे पूछ तो लिया होता कि पैसे चाहिए, कहाँ से लाकर दूँ पैसे तुम्हें? मार दो आपको कि मैं, मुझे बताना है कि पैसे कहाँ से आएंगे तो बोल दो, चली जाती हूँ। बस करो सुमित्रा, धो दोगे तो नाटा, सुबह से शाम तक छाओ 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 पैसों के लिए। सुमित्रा तुम मुझे जिंदगी में ना कभी समझ ही नहीं सकती हो गई तुम्हारी चाय, हो गया नाश्ता, जा रहा हूं मैं। अरे तुम तो वही हो ना जो उस दिन मुझे एयरपोर्ट से घर लेकर आए थे? अरे हाँ याद आया। तुम उस दिन अपने पैसे लेने नहीं आए? पर सच है स्मॉल अमाउंट। मैम क्या कॉल करता आपको? क्या बात है, तुम तो पढ़े लिखे हो और हैंडसम भी, फिर ये कैब क्यों चलाते हो? मैम MBA करने के बाद में सोचा था कि कुछ अच्छी नौकरी मिल जाएगी, लेकिन कहीं नौकरी नहीं मिली। अब परिवार की जिम्मेदारी, खर्चे तो लगे ही रहते हैं ना, तो बस उसी को निभाने के लिए एक कैब चलानी शुरू कर दी। अच्छा, सॉरी सॉरी। तो मैं करती हूँ, मैं करती हूँ। गर्ल्स, इस हफ्ते के लिए ना कुछ बड़ा प्लान करते हैं, बहुत भूखी हूँ यार। By the way, what's your name? मैम राहुल चतुर्वेदी। Okay, so राहुल, जिस ऑफिस में काम करती हूँ वहाँ पर एक वैकेंसी है, तो क्यों ना तुम आज रात को अपने सारे डॉक्यूमेंट्स ले आना और उसके बाद मैं वो डॉक्यूमेंट्स अपने बॉस को दिखा दूंगी। And trust me, उसके बाद तुम्हारी जॉब पक्की। Really मैम? Thank you मैम, thanks a lot. राहुल थैंक यू बाद में बोल लेना, लेकिन आज रात को अपने डॉक्यूमेंट जरूर मेरे घर पे ले आना, ठीक है?
आगे से राइट। ओके मैम। कहते हैं कि अपराध की राह अंधेरे की गुफा की तरह होती है, जिसमें कुछ नजर नहीं आता लेकिन कदम बढ़ाना ही पड़ता है। तनिषा भी आगे बढ़ते जा रही थी। एक बड़े बिजनेसमैन की पत्नी और शरीफ घर की बेटी तनिषा इस घिनौने जुर्म का हिस्सा बन चुकी थी। अब चारों ही कुछ बड़ा करना चाहती थी। तनिषा का राहुल की मदद करना क्या साजिश थी, या वो सच में मदद करना चाहती थी? अगर ये साजिश थी तो क्या राहुल खुद को बचा पाएगा इन बेरहम लड़कियों से? आइए देखते हैं। तनिषा, टाइम देख यार, कैसा प्लान किया है? कंफर्म करो आबिर आए या नहीं। यार मैंने तो सुबह ही कहा कि इस पे भरोसा मत करो। इसने सुबह भी कुछ नहीं किया, अभी भी वक्त है, मैं कुछ अरेंज कर सकती हूँ। सुबह में गाजर वाला बड़े प्यार से गाजर बेच रहा था। जी ये ना कुछ वाला अरेंजमेंट नहीं है। जब तुम इसे मिलोगे तो आज तक के सारे शिकार भूल जाओगे। अच्छा, जॉन इब्राहिम का वेट करने से तो अच्छा होता, नवाज कैसा वेट कर। जी सीरियसली अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है? कहो तो गाजर वाले। अच्छा ठीक है, रुको मैं उसको कॉल करके आती हूँ। कैसे भी करके जॉब मिल जाए। सुमित्रा, सिर्फ डॉक्यूमेंट्स देने जा रहा हूँ, इंटरव्यू नहीं। जो भी है तो आपकी मैडम, उन्हें भी लगना चाहिए कि डॉक्यूमेंट देने मेरा पति जा रहा है, ड्राइवर नहीं। ठीक है, तुम्हें जो करना है करो, वैसे भी तुमसे आज तक जीत सका हूँ मैं। लो, मैडम का ही फोन है, हो गया ना लेट। हेलो, यस मैम, सॉरी मैम थोड़ा लेट हो गया। नहीं नहीं, बस बस 20-25 मिनट में पहुंच जाऊंगा मैम। जी 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 मैम, बहुत पहुंच रहा हूँ। थैंक यू मैम, थैंक यू। हाँ लेट हो गया, निकलना है। चल मैं निकलता हूँ, ठीक है, बाय 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 बाय। तनिषा मैम, ये मेरे डॉक्यूमेंट्स हैं। राहुल, तुम इतना क्यों शर्मा रहे हो? अरे बाबा, ये सब मेरे रूममेट्स ही तो है। बैठो बैठो। हेलो मैम। हाय। हेलो, बैठो। थैंक यू। ओके राहुल, ये सारे डॉक्यूमेंट्स मैं कल ही अपने बॉस को दिखा दूँ और फिर तुम्हारी जॉब बिल्कुल पक्की। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। नौकरी? आई थॉट तुमने ये लड़के को फिल्म में लीड रोल के लिए बुलाया है। सौम्या, ये वो लड़का नहीं है, वो आज नहीं आ पाएगा, ही इज बिजी इन शूट। हु केयर्स, लुक एट हिम यार, पूरा हीरो मटेरियल लगता है। तनिषा यार, इसे जॉब मत करवाओ प्लीज। राहुल, तुम एक्टिंग में इंटरेस्ट रखते हो? एक्चुअली नेक्स्ट मंथ मेरी एक फिल्म का शूट स्टार्ट होने वाला है। मैम, इंटरेस्ट तो है लेकिन मैंने कभी एक्टिंग नहीं की। नो इशू राहुल, एक्टिंग ना काफी इजी है, तुम्हें सिर्फ सिचुएशन को ना फील करना होता है। तो कैरेक्टर तुम्हें दिया जाए, बस उसको प्ले करो अच्छे से। ट्रस्ट माई वर्ड्स राहुल, तुम एक दिन बॉलीवुड पे राज करोगे। ये रख लो साइनिंग अमाउंट। मैम, बट मैंने कभी एक्टिंग की नहीं है मैम, कहीं मेरी वजह से आपका काम ना खराब हो जाए। राहुल नो इशू, अभी मैं ना तुम्हें एक सीन देती हूँ, अगर तुमने वो सीन कर लिया ना तो तुम दुनिया का कोई भी सीन कर सकते हो। रेडी? आपको मेरी फिक्र ही नहीं है, आप कुछ भी करो, कहीं से भी पैसे का इंतजाम करो, मुझे कुछ नहीं पता। सैटरडे तक इंतजाम हो जाना चाहिए पैसे का।
ठीक है मैम, आई एम रेडी। अच्छा तो सिचुएशन ये है, डी ने तुम्हारे ऊपर रेप का झूठा इल्जाम लगाया है, इससे तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो गई पूरी, और अब तुम शराब के नशे में डी से अपनी बर्बादी का बदला लेने आए हो, ठीक है? Yes, ma'am. I'm ready. डी, तुम और राहुल दोनों सामने खड़े हो जाओ। मैम शुरू करें। ओके एक्शन। तुमने मुझ पर रेप का झूठा इल्जाम लगाया ना? रेप का झूठा इल्जाम लगाया ना तुमने मुझ पर? तुम्हारी वजह से आज मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, किसी को मुंह तक दिखाने लायक नहीं रहा मैं। तुम्हारी वजह से आज मैं टैक्सी चलाने पर मजबूर हो गया। इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी मैं कहीं नौकरी नहीं मिल रही मुझे, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। झूठा इल्जाम लगाया, आज उसी झूठे इल्जाम को मैं सच करके दिखाता हूं तुम्हें। मैं उस इल्जाम को राहुल प्लीज राहुल छोड़ दो, राहुल राहुल प्लीज राहुल प्लीज राहुल प्लीज राहुल। मुझे बहुत अच्छी है, रूप का झूठा इल्जाम लगाती है। तो इस खुशी के मौके पे पार्टी तो बनती है। तो मैं पैक बनाऊं? बिल्कुल। बट मैम मैं ड्रिंक नहीं करता। अरे राहुल ड्रिंक नहीं करते हो तो सॉफ्ट ड्रिंक ले लेना। ओके मैम ओके।